धारी देवी दर्शन करने के लिए आए श्रद्धालुओं का गहनों से भरा बैग गंगा दर्शन के समीप गिर गया, जिसमें 8 लाख रुपए के गहने और पैसे थे। इसके बाद पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और तलाशी शुरू कर दी और महिला के गहनों का बैग सुरक्षित लौटाया, जिसके बाद परिवार ने पुलिस का आभार व्यक्त किया। श्रीनगर से भगवान सिंह की रिपोर्ट। आ रहे थे पोखरा ब्लॉक से और हम यहाँ श्रीनगर से धारी देवी जा रहे थे, तो हम थोड़ा रुके वहाँ पे, पानी पूनी पिया, थोड़ा नींद की झपकियाँ आ रही थी गाड़ी चलाते समय, तो हम रुक गए। फिर हमने उसमें से थोड़ा पानी की बोतल निकाली, बैग वहीं पे छूट गया। हम चले गए, धारी देवी पहुँचने वाले थे और तब तक देखा कि उसमें से भेंट निकालते, तो देखा तो परस ही नहीं उसमें, तो उसमें तो हमारी पूरी ज्वेलरी, एटीएम वगैरह सब, आई कार्ड, मेरे जवाई का आई कार्ड था और सब, तो मतलब 10-12 लाख के समझो आप, पूरा था। हम तो फिर आए, वापस आए, देखा वहाँ पे हमारा पर्स है ही नहीं। हम रूटीन जैसे हमारी चेकिंग होती है रूटीन के, तो उसमें जा रहे थे, तो रास्ते में जब हम गंगा दर्शन की तरफ गए तो एक रास्ते में एक बैग मिला हमें। उसके बाद थाने से हमें सूचना मिली कि एक किसी औरत ने सूचना दी है कि एक बैग हो गया जिसमें 1 लाख का सामान है, ज्वेलरी। तो हम जब वहाँ से वापस आए तो गंगा दर्शन के पास बेंच में एक लावा रिसर्व, उसमें एक बैग पड़ा हुआ था, उन्होंने अपने उसमें लिया, तस्दीक की, तो बैग को थाने लाया, थाने में जमा किया।